प्रेरणा कथा क्या है सबसे शक्तिशाली। कभी न कभी हम सबके दिमाग में एक प्रश्न अवश्य ही उठता होगा कि दुनिया में सबसे शक्तिशाली वस्तु क्या होती है। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से ये बात आप तक पहुंचाने का प्रयास करें। एक आश्रम में बहुत से शिष्य अपने गुरु के साथ रहा करते थे। वो प्रतिदिन गुरु जी से प्रश्न पूछा करते थे और गुरु जी उनको बहुत ही सरल ढंग से उत्तर दिया करते थे। एक दिन गुरु जी के शिष्य आपस में बहस करने लगे कि दुनिया में सबसे शक्तिशाली वस्तु क्या होती है। बहुत देर तक बहस करने के बाद भी जब कोई निर्णय नहीं लिया जा सका तो सभी शिष्य अपने गुरु जी के पास गए। गुरु जी ने अपने शिष्यों की बातों को बहुत ध्यान से सुना और फिर कुछ सोचकर बोले, तुम सब पागल हो गए हो, तुम न जाने कैसे कैसे उल्टे सीधे प्रश्न पूछने लगे हो। गुरु जी उठे और अपनी कुटिया की तरफ चल दिए। सभी शिष्य बहुत ही चकित हुए और उनको अपने गुरु जी पर गुस्सा भी आया। उन सबके चेहरे लटक गए थे। उन्होंने अपने गुरु जी की आलोचना शुरू कर दी। कुछ समय के बाद गुरु जी फिर से उनके सामने उपस्थित हुए। गुरु जी ने कहा, मैंने बहुत सोचा और ये पाया है कि तुम सब तो बहुत ही समझदार हो गए हो। मुझे तुम सब पर गर्व है। तुम लोग अपने विश्राम के समय भी ज्ञान की चर्चा करते रहते हो और एक दूसरे से प्रश्न पूछते रहते हो। ये तो बहुत ही खुशी की बात है। अचानक ही सभी शिष्यों के चेहरे खिल उठे और वो अपने गुरु जी की तरफ फिर से आदरपूर्वक दृष्टि से देखने लगे। गुरु जी ने फिर से कहना शुरू किया, मेरे पुत्रों, आप लोग सोच रहे होंगे कि गुरु जी ने अचानक ऐसा व्यवहार क्यों किया। मैंने जानबूझकर ही तुम सबको पागल कहा था। जब मैंने तुमको पागल कहा तो तुम सब क्रोधित हो गए थे, सब मेरी आलोचना कर रहे थे। फिर मैंने आपकी प्रशंसा की तो आप सबके चेहरे खिल उठे। मेरे प्यारे शिष्यों, आप अब तो समझ चुके होंगे कि आपकी वाणी ही दुनिया में सबसे शक्तिशाली वस्तु है। वाणी मित्र को शत्रु और शत्रु को मित्र बना सकती है। सभी को ऐसी शक्तिशाली वस्तु का प्रयोग बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए। वाणी की मिठास सभी को आपकी तरफ खींचती है। गुरु जी के शिष्य गुरु जी की बातें सुनकर बिल्कुल संतुष्ट हो गए और जीवन में अपनी वाणी को और भी मीठा बनाने का प्रयास करने लगे। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। कबीर साहब के इस दोहे में वो ज्ञान छुपा है जो बड़े बड़े ग्रंथों में भी नहीं मिलता। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।